जय। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रेलगाड़ी से संबंधित सवाल को, जो कि ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेलगाड़ी से यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो चलो हम लोग सवाल को स्टार्ट करते हैं कि कैसे रेलगाड़ी से संबंधित सवाल जो होते हैं कैसे लगाने होते हैं। मैं हर प्रकार के सवाल को कवर करूंगा इस वीडियो में, तो आप वीडियो के साथ बने रहो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग रेलगाड़ी के सवाल को। रेलगाड़ी के सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हमको दो चीज याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। एक तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए जिसको कहते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। आपको बाबू ये फार्मूला आपके ब्रेन में हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। और इसका पश्चांतर करके हम बना सकते हैं फार्मूला, जैसे दूरी बराबर अगर निकालना रहे हम समय को इधर भेज देंगे गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। एक नया फार्मूला निकल गया, चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। और दूसरा, अगर हम दूरी को इधर भेज देते हैं चाल को उधर भेज देते हैं, तो दूरी बराबर दूसरा फार्मूला निकल के आएगा, सॉरी दूरी बराबर नहीं, समय बराबर अगर निकालना है, क्योंकि चाल बराबर पता है, समय बराबर अगर निकालना है तो समय को यहां भेज दो चाल को यहां भेज दो, तो निकालेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल। ये आपके ब्रेन में इतने टाइप्स के फार्मूले आपके रहने चाहिए। अगर आपको एक याद है तो पश्चांतर करके आप सारा काम कर लेंगे। प्लस आपको एक चीज और याद होना चाहिए, याद ये होना चाहिए अगर कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, किसमें दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है कोई चाल, अगर कोई चाल किसमें है केएम प्रति आवर यानी किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, अगर उसको ठीक है अगर उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए उसमें 5/18 से गुणा कर देते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं। समझ में आ गया, किसमें बदलने के लिए बाबू, मीटर में बदलने के लिए, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। समझ में आ गया, अगर कोई चाल मीटर प्रति सेकंड दिया है और उसको जो है किलोमीटर में अगर बदलना है तो 18/5 से गुणा करते हैं, किससे करते हैं 18/5 से गुणा करते हैं, वो बदल जाएगा किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, किसमें बदलेगा, किलोमीटर प्रति आवर में। बात यहां तक की समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। देखो अब याद करने का तरीका, अगर बड़का से छोटका में जाना है तो छोटका को ऊपर बड़का को नीचे, यानी कि किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए जो बड़ी अंक है उसको नीचे और छोटकी अंक को ऊपर, जय में जाना है उसका बड़का ऊपर। समझ में आ गया, मीटर और किलोमीटर में बड़ा किलोमीटर होता है और मीटर छोटा होता है, ठीक। अगर बड़का से छोटका में जाना है यानी कि किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 5 को ऊपर और 18 को नीचे, बड़ा से छोटा तो छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे, और छोटा से बड़ा अगर करना है तो बड़का को ऊपर छोटका को नीचे। समझ में आ गया ट्रिक, माइंड में बैठाइएगा ये बात को, माइंड में अपने बैठा लीजिएगा, क्लियर। अब हम लोग चलेंगे सवाल की तरफ कि इसका सवाल किस तरह से पूछता है और इसके सवाल को कैसे हम लोग लगाते हैं। तो पहले हम लोग इस पे कुछ सवाल कर लेते हैं। जैसे अगर कहता है कि कोई व्यक्ति 72 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, कितना, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि एक रेलगाड़ी जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो उसके चाल को मीटर प्रति सेकंड में बताइए, कितने बताइए, मीटर प्रति सेकंड में बताइए। कोई रेलगाड़ी है 72 किलोमीटर प्रति आवर से चल रही है, ठीक, कह रहा है कि इसकी चाल को मीटर प्रति सेकंड में बताइए, मीटर प्रति सेकंड में बताइए। तो मैंने क्या कहा, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18 क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो देखो ये बड़का है ये छोटका में बदलना है, तो बड़का को जब छोटका में जाते हैं तो छोटका ऊपर यानी कि 5 ऊपर, तो लिखेंगे 72 × 5/18 का पड़ी से 72 आ जाए तो 18 × 36 चौका 72, तो यहाँ पे 18 चौक कितना हो जाएगा 72, 12 × 5 सॉरी 5 चौका 20 कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि उतरेनवा 20 मीटर एक सेकंड में चल जाती है। समझ में आ गया कि नहीं, आई होप आपको यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी। दूसरा क्वेश्चन अगर कह लेता है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ना कोई रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है, हाँ कोई रेलगाड़ी जो है 25 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है, तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए,
किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए, क्या करेंगे, मीटर से घंटम जाना है, मीटर से घंटम जाना है तो कितना गुणा 18 बटे 5 से गुणा। सवाल क्या है, 25 है, गुणे 18 बटे 5 कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, 5 बार जाएगा 18 बटे 90, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति आवर ये ट्रेन चलेगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे सारी सवाल समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग सवाल के दूसरे टाइप की तरफ, ठीक है। चलो दोस्तों, दूसरे टाइप के सवाल को हम लोग लगाते हैं, ये वाला खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, कोई रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी दी हुई, 150 मीटर दी हुई, कह रहा है, और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये उसकी लंबाई है, ठीक है, ये उसकी क्या है, लंबाई है, और चाल कह रहा है चाल जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 54 km प्रति आवर है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी ये चाल है, ठीक, ये क्या है, चाल है, स्पीड है इसकी। कह रहा है वह रेल पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर लेगी। अब देखो ये जो आपको लेंथ दिखाई दे रहा है ना, ये लंबाई, ये मान लो कि कोई व्यक्ति जो है, और दूसरी बात जो है ये दे रहा है चाल, ठीक है। अब देखो इस तरह के सवाल को कैसे लगाते हैं, बहुत ही आसान है, कह रहा है रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसकी लंबाई जो है 150 मीटर है, कितना है 150 मीटर लेंथ को वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से पार करेगी, ठीक। कह रहा कोई व्यक्ति खड़ा है उसको कितने देर में पार करेगी, तो हम लोगों को पता है फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना, पता, कोई डाउट किसी को, ये फार्मूला पता है। समय कितना दिया हुआ बाबू, समय हमको नहीं पता है, समय ज्ञात करना है। चाल कितना दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखो ये दूरी कितनी दी हुई, लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ आपका दी है 150 मीटर लेंथ दी हुई है, लंबाई दी, मतलब दूरी दी हुई है। अब दूरी बाबू देखिए 150 दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, ये जो चाल है हमारा किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इसको पहले हम लोग मीटर में बदलेंगे, क्योंकि हमारी लंबाई क्या में, मीटर में, सिंपल सी बात है। अब 54 को हम मीटर में बदलेंगे तो कैसे गुणा करेंगे, मीटर माने छोटका, 5 बटे छोटका 18, समझ में आ गया। अब इसको काटेंगे तो 18 3 54 तीन बार जाएगा, 3 × 5 = 15, कितना जाएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड, इसकी नई चाल आ गई, ठीक। अब हमारे पास बचा है, ये हमारा बन गया 15 मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारा चाल बन गया। अब हमको सवाल लगाना है इस फार्मूले के हिसाब से, फार्मूला क्या निकालना है, समय निकालना है, समय के लिए फार्मूला लगाएंगे या फिर यही फार्मूला का पाशांतर कहीं रखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये है। दूरी कितना दिया हुआ है बाबू, 150 दिया हुआ है, चाल कितना दिया हुआ है, चाल कितना दिया हुआ है 150, चाल दिया हुआ है 15, दूरी कितना दिया हुआ है 150, समय कितना दिया हुआ, समय नहीं पता है, अब 15 से इसको काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, और ये 0 बढ़ जाएगा 10, 15 दिए 150 तो हो जाएगा, ये समय यहां चला आएगा, तो समय बराबर 10 सेकेंड, कितना सेकेंड 10, यानी कि उस व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी बाबू, 10 सेकेंड में पार करेगी। हमने क्या किया, चाल हमारा किलोमीटर में दिया था, किलोमीटर प्रति घंटे में दिया था, मैंने इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदल दिया, 5 बटे 18 से गुणा करके हमारा नया निकल गया चाल। अब इस चाल का जो है इसमें हम लोग ये फार्मूला हमारा ये था, लंबाई पता था और ये चाल पता था, हमने समय को निकाल लिया फार्मूले के अकॉर्डिंग, समझ में आ गया होगा। अब चलो इसी तरह के एक दूसरे सवाल को हम लोग समझते हैं, देखो अगला सवाल कह रहा है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है, वह सिग्नल को कितने देर में पार कर जाएगी। बाबू देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है, कुछ भी हो सवाल, पहले आप सवाल को ध्यान से पढ़िएगा फिर सवाल को लगाइएगा। देखिए सवाल कह क्या रहा है, कह रहा है कोई सिग्नल या कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, एक ट्रेन ऐसे गुजरती है, ठीक है, और इस ट्रेन की कुछ चाल होती है और इसकी कुछ लंबाई होती है, ट्रेन की लंबाई होती है,
और ये इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। बात को समझो, अगर मान लो कि यह ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ठीक, और इसकी लंबाई 10 मीटर है। अगर ये ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है और 10 मीटर की दूरी इस व्यक्ति के द्वारा तय करवा रही है, देखो यह व्यक्ति 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, कर रहा है, ठीक। अगर मान लो कि 50 ये ट्रेन खड़ा कर दो, अब मान लो कि एक व्यक्ति है 50 किलोमीटर रफ्तार से वो चलता है, अगर जो है इसको यहां से स्टार्ट किया जाए 10 मीटर की दूरी को तय करेगा कि नहीं तय करेगा। तो कुल मिला जुला के व्यक्ति को चलाओ, ट्रेनवा चल रहा है ठीक है, लेकिन अपने माइंड में रखो कि व्यक्ति यह चल रहा है कि यह ट्रेनवा के पार करने में व्यक्ति को जो है 10 मीटर ट्रेन को पार करने में 10 मीटर ट्रेन को पार करने में व्यक्ति को कितना टाइम लगेगा अगर उस व्यक्ति की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। बात समझ में आ गई, ये इसका कॉन्सेप्ट है बाबू। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा था, अगला क्वेश्चन जो है देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी कितना, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है। अब उसकी लंबाई कितनी दी बाबू, 180 मीटर, कितना दी, 180 मीटर लंबी है। वह किसी सिग्नल को कितने देर में पार करेगी, यानी कि कोई सिग्नल है उसको कितने देर में पार करेगी। आपको मैंने जो बताया उस बात को समझिए, मान लो कि एक रेलगाड़ी खड़ी है, ये रेलगाड़ी है, इसकी जो लेंथ है बाबू कितनी दी हुई है, 180 मीटर दी हुई है, कितना दी 180 मीटर। आप पहले कहां से को समझिए, 80 मीटर है। अब एक सिग्नल है मान लो यहां, अब इस सिग्नल को दौड़ा दो यहां कितने की रफ्तार से, 72 की रफ्तार से दौड़ा दो, देखो रेलगाड़ी पार होगी कि नहीं पार होगी। तो चाहे रेलगाड़ी दौड़ाओ चाहे सिग्नल दौड़ाओ, बोथ आर बतिया बाबू, बतिया उधर होता है। तो देखो यहाँ पे चाल दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटे में, और ये किसमें दिया, मीटर में दिया हुआ, समझ में आ गया। अब इसको सबसे पहले क्या में बदलेंगे, मीटर में। अब देखो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 5/18 से गुणा करेंगे, 18 चौक 72, 18 चौका 72, 18 दूना 36 दूना 72, 4 बार जाएगा, 4 5 20 कितना जाएगा, 20। अब ये निकल के आया इसकी जो चाल 20 मीटर प्रति सेकंड, क्या में 20 मीटर प्रति सेकंड, समझ में आ गया कि नहीं। अब लेंथ हमको पता है, दूरी जिसको कहते हैं, अब हमको फार्मूला पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक। अब देखो चाल कितना दिया हुआ है, चाल दिया हुआ बाबू इसकी 20 मीटर, तो 20 मीटर रख दो बराबर, दूरी कितना है 180 मीटर, 180 रख दो, समय कितना है, समय नहीं पता, ये निकालना है। अब देखो एक जीरो से एक जीरो करता हूँ, दो नवा 18, 9 बचा है यहाँ पे, 20 नवा 180, अब ये समय है यहाँ एक बचा है, गुणा करेंगे तो यहाँ पे समय बराबर आ जाएगा 9 सेकेंड, समझ में आ गया। तो आई होप आपको यहाँ पे रेलगाड़ी का सवाल समझ में आ गया होगा। देखो दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।